तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री से द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। आईसीएससी बोर्ड है आपके पास और उसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह रहा था। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बेसिकली करवा दिया है, तो लास्ट टॉपिक का जो नाम था उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूनिफाइड मास के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं तो अलग समझने की गलती ना करें। पहले हम AMU लिखा करते थे, अब हम सिंपली उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, या फिर आप लोगों ने बहुतों के मुँह से सुना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, तो वो क्या होता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें यहाँ पे जो समझना है वो क्या समझना है। यस, सबसे पहले ये समझना है कि एटॉमिक मास यूनिट है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूँ, हमारे पास लंदन के लेबोरेटरी में रखा हुआ है एक इतना बड़ा, शायद प्लेटिनम या किसी और मेटल का है, वो इतना बड़ा एक छोटा सा बाट रखा हुआ है। उसको 1 किलो मान लिया गया है, एक रेफरेंस दे दिया गया है उसको, उसको रेफरेंस मटेरियल कह दिया गया है और उसको मान लिया गया है कि 1 किलो का है और उसी के अकॉर्डिंग आज हम सारी चीज़ों को वे कर पा रहे हैं, राइट। कि वो 1 किलो है तो उसी के कंपेयर करा तो ये आधा किलो निकल गया, ये उसके 5 गुना है तो 5 किलो निकल गया। इस तरह करते करते हमने छोटे 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 यूनिट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और उसको हम कभी ग्राम कहते हैं, 200 ग्राम कहते हैं, 250 ग्राम कहते हैं, 1 किलो कहते हैं, 2 किलो कहते हैं, इस टाइप्स के हम चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में हम किसी भी चीज़ के मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से जिस भी यूनिट में आप मेज़र कर रहे हो वो एक रिलेटिव यूनिट है, वो कभी भी आपके पास एक्चुअल यूनिट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसे भी तो कुछ ना कुछ माना गया होगा। सबसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो अगर KG है तो सबसे पहले उस पत्थर को माना गया 1 किलो, जो मेटल आपके पास उसे माना गया क्या है 1 किलो है। उसके बाद आप उसके कंपैरिजन में सबको यहाँ पे 1 किलो वजन करके दे रहे हो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो वजन करके आप दे रहे हो। तो ये जो आप वजन कर रहे हो वो एग्जैक्ट सही है ये आप नहीं कह सकते। मान लिया गया था स्टार्टिंग में उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे पास जब एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ना शुरू किया, सारी चीज़ें धीरे 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 समझ में आने लग गई, तो पता चला कि यार एटम्स के मास को भी थोड़ा हमें मेजर करना चाहिए। और उसको मेजर करने के लिए फिर हमारे पास किलो, 2 किलो, 2.5 किलो ऐसे होते थे। ग्राम में बहुत ज़्यादा छोटी, ग्राम से ग्राम, फ्रैक्शन ऑफ ग्राम्स में उनको मेजर करना जो एटम्स होते थे बड़ा मुश्किल का काम था। तो धीरे 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 डेवलपमेंट होते गए होते गए होते गए होते गए और एक टाइम ऐसा आया जब इनके एटम्स के मास को बेसिकली हम मेजर करने लग गए, ठीक है ना। अच्छा, जब मेजर नहीं कर रहे थे तो उसको हम AMU, ग्राम में जब मेजर नहीं कर रहे थे तो उससे पहले हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते थे, AMU में रिप्रेजेंट करते थे। यस, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिफाइड मास में हम मेज़र करते थे। बड़ी छोटी सी वैल्यू निकल कर आती थी जिसकी वजह से हम इसको AMU या फिर यूनिफाइड मास अलग से ही हमने इसको नाम दे दिया था। अब बात आती है कि वो वैल्यू कितनी छोटी है, कैसे पता करें, क्या चीज़ है एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अब हमें अच्छे तरीके से ज्ञान है तो अब हम पढ़ ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने जाएंगे तो आप हर जगह देखेंगे कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कार्बन का 12 एटम है ना, कार्बन जो 12 एटम है उसका अगर मैं 1/12 कर देता हूँ तब जाकर आपको जो मास निकलेगा उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब यहाँ पे कार्बन को रेफरेंस लिया गया, वहाँ पे किलोग्राम के टर्म में करने के लिए उस पत्थर को लिया गया था, भैया पता नहीं कौन सा मेटल था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किलो वगैरह सारी चीज़ें और उसे छोटी 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 यूनिट्स में हमने करना शुरू कर दिया। उसी तरह से जब एटम्स के मास को, यस, एटम के मास को अगर हमें पढ़ना है, उनके छोटे छोटे वैल्यूज़ को मेज़र करने हैं, तो उसमें हम एटॉमिक मास यूनिट लाएंगे, ठीक है, ले आए। और एटॉमिक मास यूनिट को हमने डिफाइन किया कार्बन के 12 एटम से। अब ये कार्बन के 12 एटम का क्या सिस्टम है वो चीज़ बता देते हैं। आइसोटोप्स का आप लोगों ने नाम सुना है,
नहीं सुना है तो समझ लीजिए, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको सेम देखने को मिलेंगे, बट जो मास नंबर होते हैं वो आपके पास डिफरेंट देखने को मिलेंगे, मास नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन के बेसिकली तीन आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं आइसोटोप्स के, बट जो आपके पास मास नंबर होते हैं एक 12 वाला होता है, एक 13 वाला होता है और एक 14 वाला होता है। तो आपके पास कार्बन तो हैं लेकिन वो तीन तीन कार्बन है अलग अलग मास वाले, एक 12 मास वाले, एक 13 मास वाले और एक 14 मास वाले। तो कार्बन का जो 12 मास वाला कार्बन था, यस कार्बन हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसका मास 12 था, यस जिसका मास 12 था, उस वाले के एक एटम का मास जितना होगा उसको अगर मैं 1/12 कर दूँ, ठीक है ना, उसको मैं 1/12 कर दूँ, बस उसी को हमने डिफाइन कर दिया वन एटॉमिक मास यूनिट। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तो सबसे पहले ये समझिए कि हम कार्बन के एक एटम के मास की बात कर रहे हैं, है ना, ये कार्बन 12 है, कार्बन 12 के एक एटम के मास की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। उसके बाद हम उसको भी 1/12 करने जा रहे हैं, वो तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा 12 से डिवाइड होने के बाद, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ की जो है वो बात कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 AMU की वैल्यू चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 लाइए और उसको डिवाइड कर दीजिए, यस आप उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपको जो मिलेगा वो आपके पास देखने को मिल जाएगा वन एटॉमिक मास यूनिट। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे हमने इस वाले को मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास भी हमने पता लगा लिया वे करके, और ये था आपके पास वन एटॉमिक मास यूनिट। और ये कार्बन के एक एटम का मास था 1.99 समथिंग 24 ऐसे कुछ है, और इंटू में 10^-23 ग्राम, ये चीज़ है आपके पास, इतना ग्राम था आपके पास कार्बन के एक एटम का मास। अब हमें क्या करना है, उसको 12 से डिवाइड कर देना है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 1 AMU का। तो अगर मैं इसको इस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ 12 से, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 या फिर 66 कह लीजिए इंटू 10^-24 ग्राम, ये चीज़ है आपके पास। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है आप लोगों के, डन है, ठीक है। तो ये हुआ वन एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब आगे चल के इतना आप ज़रूर कह सकते हैं कि इसको एक रेफरेंस लिया गया कार्बन को, पहले इससे पहले हाइड्रोजन को भी लिया गया था और दूसरे दूसरे एटम्स को लिया गया था, बट वो फिट नहीं बैठ रहे थे रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, या फिर उसके आइसोटोप्स की वजह से, बट कार्बन फिट बैठ गया सबके साथ, और जिसकी वजह से कार्बन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया, और उसी से हमने बाकी सारे जितने भी आपके पास हमारे पास एलिमेंट थे उनके एटम के जो मास थे वो हमने निकालने शुरू कर दिए। तो हमने निकाला यहाँ पे वन एटॉमिक मास यूनिट जो कि इतना कुछ निकल कर आया। इसका मतलब ये है कि इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और इसी के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग एटम्स के जो मास हैं वो निकालने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अब हम वे करेंगे, यस इसको रेफरेंस ले लिया, अब हम वे करेंगे, इसके अगर कोई 2 times आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एटॉमिक मास यूनिट बता देंगे, और किसी का 16 times आया तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मास बता देंगे, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली वो आना चाहिए आपके पास, किस तरह से चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये जो चीज़ निकल कर आया है आपके पास वो वन एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो चीज़ें चाहिए ग्राम में चाहिए या फिर और भी किसी भी चीज़ में चाहिए, इसी को देखें, ये वाली जो चीज़ निकल ना इसको मैं वन एटॉमिक मास यूनिट बोलूँ या फिर मैं वन यूनिट बोलूँ, बात तो एक ही है ना, वन यूनिट बोलूँ बात एक ही है, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम्स के जो पार्टिकल थे वन वन एटम एलिमेंट के जो पार्टिकल थे उनको हमने क्या करा, मेजर करना शुरू कर दिया। तो हाइड्रोजन को जो देखा वो एग्जैक्टली इतना ही निकला, एग्जैक्टली इतना निकला, तो 1U बोल दिया उसको, 1U बोल दिया। हीलियम को देखा, हीलियम को देखा तो इसके 4 times निकल कर आ रहा था तो उसका 4U बोल दिया। तो इसके जो मास निकल कर आए ना कुछ यहाँ से निकल कर आए हुए,
ठीक है ना, फॉर यू बोल दिया। उसके बाद अगर मैं आपके बात बात करता हूँ लिथियम की, है ना, लिथियम की बात करता हूँ तो सेम वही चीज़ निकल कर आ जाएगी। लिथियम का 7 निकल कर आ गया, 6.9 होता है, 7 निकल कर आ गया, है ना। मैं डायरेक्टली एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। और याद कीजिए ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको लोगों को वैल्यू बता रहा हूँ, यही चीज़ मैंने आप लोगों को, अरे यार, यही सेम चीज़ मैंने आप लोगों को ग्राम में बताया हुआ है। और कहाँ पे बताया हुआ है? वीडियो लेक्चर नंबर 1 में, इसी चैप्टर के वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। सबके 1 to 20 तक एटलीस्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि याद कर लीजिएगा ग्राम में, आगे बताया जाएगा कि कैसे आए हुए हैं। तो ये तो यूनिट यूनिट यूनिफाइड 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 मास में हमने निकाला हुआ है, बट एक्चुअल में हमने आपको ग्राम में लिखाया हुआ है। तो एक यूनिफाइड मास को हम ग्राम में कैसे बता सकते हैं, है ना। तो अब चीज़ों को समझना है कि ये जो चीज़ है वो एक एक एटम के मास थे और वो यूनिफाइड मास है। ऑफकोर्स यूनिफाइड मास बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो इतनी छोटी वैल्यू को ना पढ़ के हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अब ग्राम में कन्वर्ट करना शुरू कैसे करें उस चीज़ को फटाफट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम में पढ़ने के लिए, ग्राम में चीज़ों को लाने के लिए हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी जिसे हम मोल के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए हम जो ये जो यू 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 की बात कर रहे हैं ना, जो कि मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम निकल कर आ रही। देखिए 1 यूनिफाइड मास कितना है, 1.66 × 10⁻²। अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है। मैं 0. अरे यार ये कहाँ से आ गया, 0.00000000023 करने के बाद मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो कितनी ज़्यादा छोटी ये वैल्यू, तो इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू में हम डील ना करके इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और सारी चीज़ों को अब हम ग्राम में लाने वाले हैं। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अब हम ग्राम में किस तरीके से इसको ला सकते हैं, ठीक है। आइए, तो ग्राम में कुछ इस तरीके से लाया जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 1 मोल। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आप मुझे बताइए कि 1 सेंचुरी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 100। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि 1 डजन की वैल्यू क्या है, तो सर आप बोलेंगे 12, ठीक है, इस तरह से। फिर सर मैंने बोला कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 30, एक जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, सर 7। तो ये जो नंबर आप बता रहे हो, यस, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल को डिसाइड किया गया है कि 1 मोल में कितने नंबर होंगे। जैसे आपने 2-4 हमने आपसे पूछे, आपने उसमें उतना एग्जैक्ट नंबर बता दिया, ठीक उसी टाइप से अगर आप एक मोल की बात करेंगे तो उसमें कुछ इतने एटम्स होंगे, 0.0023 × 10³। 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, यहाँ के बाद आप एटम्स लिख दें। अब हम जो बात कर रहे हैं यूनिफाइड मास, वो एक्चुअल में है क्या, 1 amu, नो डाउट, ठीक है। और लेकिन वो ग्राम के टर्म में कितना ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। हमें ग्राम के टर्म में पढ़ना है, लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 मोल वाली चीज़ें ले आए कि अब से जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो हम मास पढ़ेंगे ग्राम में, वो 1 मोल का पढ़ेंगे, सिंपल एक एटम का मास नहीं पढ़ेंगे। एक एटम का मास हमें नहीं पता, वैसे तो पता है कि 1.66 × 10⁻²² होगा, लेकिन अब से हमें वो याद नहीं रखना, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे, अब हम ग्राम के टर्म में पढ़ेंगे। और जिस भी आप एलिमेंट की बात करेंगे उसके हम 1 मोल के मास की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कुछ इतना है, 1.66 × 10⁻²² है, 1 amu की वैल्यू। मतलब आप 100% कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक एटम का मास है। बोलिए हाँ या नहीं, ये मास ऑफ 1 एटम ही तो है भाई, ये जो चीज़ निकाला है मैंने वो मास ऑफ 1 एटम ही तो है। किसके 1 एटम है, ये एक तरीके से कार्बन के एक एटम के मास का 12th हिस्सा है वैसे तो, जिसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। कार्बन के एक एटम का जो 12th हिस्सा था उसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मास ऑफ किसके हैं, एक एटम का मास है, ठीक है ना, यही रेफरेंस लिया गया है। अब ये एक एटम का मास है, और अगर हम मोल की बात करते हैं, अगर आप हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करेंगे तो इतने नंबर होंगे, अगर आप हीलियम के 1 मोल की बात करेंगे तो इतने नंबर होंगे। तो ये एक एवोगाड्रो अंकल थे, उन्होंने बताया था, इसको हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इनका कहना है कि भाई आप हाइड्रोजन ले, आप वाटर ले, कोई भी कंपाउंड ले, या फिर आप कुछ भी लें, अगर आप उसके अंदर के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे तो इतना ही मिलेगा, कब, जब आप उसके 1 मोल की बात करेंगे।
एक मोल की बात करेंगे, तब आपके पास इतना ही एटम्स जो है वो देखने को मिलेगा। या फिर इन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड करके दे दिया कि भाई हाँ, आप अगर एक मोल किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो तो आप इतना ही की बात करोगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और इसी को स्टैंडर्ड फिर से मानते हुए हमने क्या कर दिया, मास निकालना शुरू कर दिया हर किसी के मोल का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आगे की बात करते, जैसे कि ये जो चीज़ आया ना 1 AMU, वो इतनी वैल्यू आई, तो हाइड्रोजन का भी एक्चुअल में 1 AMU ही निकल कर आया था, मतलब इतना ही ग्राम है हाइड्रोजन के एक एटम का मास। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना, क्या है, इतना ही है आपके पास। ठीक है, अब हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करने का था, तो देखिएगा ये चीज़ को हमने क्या, ये वाली चीज़ को हमने कह दिया, ये वाली जो चीज़ है वो मास ऑफ वन एटम है, और अगर मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन की बात करूँगा तो इतने सारे एटम्स हैं, तो ग्राम में कितना होगा, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ, हमने आपको बोला मास ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छे तरीके समझिएगा, मास की बात कर रहे हैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन की। वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इतने एटम्स की मास की बात कर रहे हैं। आपको एक एटम के मास के बारे में पता है या हाइड्रोजन के कितने हैं, इतने हैं, समझ में आ रहे हैं इतनी बात, ये वाली जो चीज़ है वो इतने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस का 24 और ग्राम में आ जाएगा, और इंटू में 6.022 या फिर 23 लिख दें 10 की पावर 23, इतना ग्राम में निकल कर आ जाएंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओवरऑल आपको देखिए पावर को सॉल्व कर दीजिए, पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते हैं, 10 की पावर -1 बचेगा। मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99998 समथिंग ऐसे कुछ मिलता जाएगा आपको। अच्छा, ये वाला 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू आने वाली है वो 10 नीचे आ जाएगी, 1/10 है उसका मतलब, है ना। और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 0.999999 मिल जाएगा, और इसको अगर मैं रफ़ कर दूँ तो कितना आ जाएगा, रफली मान लो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 998 कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेन वही चीज़ है, 0.9 आया तो उसको हमने रफली कितना कर लिया, 1 ले लिया। और हाइड्रोजन का जो मास है ग्राम में वो 1 ग्राम है। अब ये जो 1 ग्राम है हाइड्रोजन के मास, वो 1 मोल की बात कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको भाई ध्यान रखना है, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो मास है वो उसके 1 मोल का मास है, ये ना कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतना है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतना है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के इतने सारे एटम के कितना मास है, तो इतना मास है, ठीक है ना, इतने बात। तो ये कहानी जो है आपके पास वो निकल कर आने लग गई। अब चीज़ों को और भी ज़्यादा सिंपलीफाई किया गया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने हीलियम की बात करी, अब हीलियम जो है ना वो इस AMU के 4 times आया था, मतलब 4U आया था, कितना आया था, 4U आया था, तो 4 को ऐसे ही रखा, 4 times आया था इस वाले चीज़ के, तो 4U और U के जगह 1.66 इंटू 10 की पावर में -24 ग्राम रखेंगे, और इंटू में क्योंकि हम हीलियम के एक मोल के मास की बात करेंगे तो उसमें इतने सारे एटम्स होते हैं, तो इतने से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आपको पहले से पता है इन सबको पूरा सॉल्व करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा कितना मिलेगा, मेरे को एक ही मिलेगा, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हीलियम का ग्राम में 1 मोल हीलियम के ग्राम का मास, ग्राम के टर्म में मास कितना आया, 4 ग्राम आया। तो चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें सबके समझ में आसानी से तो खैर नहीं आते हैं, बट ठीक है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा तसल्ली से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट था ना, उसके 7 times आया था, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया तो 7 times आया था, तो इसका मतलब 7U आया लिथियम का मास, ठीक है। अब 7 × U का वैल्यू है 1.66 × 10 की पावर -24, और उसमें कितने एटम्स हैं एक मोल में, एक मोल की बात करेंगे ना तो कुछ इतने एटम्स होंगे। अब आपको पता है इसको यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करूँगा, 1 आएगा, 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 100% इस चीज़ को कह सकते हैं कि जितने टाइम्स था, जितने यूनिफाइड मास थे, यूनिफाइड मास के टाइम्स थे, जिसका भी वेइंग वेट मास या वेट यहाँ पे केमिस्ट्री में सेम ही चलता है, वहाँ वही उतना ही वो किस में आ जा रहा था, कन्वर्ट होकर ग्राम में आ जा रहा था, बस यही जो चीज़ थी। और इसी के रिस्पेक्ट में हम ग्राम में इनके जो मास हैं उसकी बात करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 1 मास ऑफ सल्फर,
तो मास ऑफ जो सल्फर होता है वो होता है 32 ग्राम। अब ये जो 32 ग्राम है ना वो एक्चुअल में ग्राम नहीं है, ग्राम पर मोल है। ग्राम पर मोल कहने का मतलब ये है कि एक मोल सल्फर का मास है वो 32 ग्राम, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप ये बात करते हैं कि एक एटम का कितना है तो वो 32U है, ना कि 32 ग्राम है। 32 यूनिफाइड मास है अगर सल्फर का, अगर आप एक एटम के मास की बात करेंगे तो 32U आएगा, ना कि 32 ग्राम आएगा। बहुत अ डिफरेंट थिंग। 32U जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, और जो 32 ग्राम की बात कर रहे हो पूरे एक मोल की बात कर रहे हैं, 6.023 × 10³ एटम्स के एक साथ मास की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आई इतनी बात? तो ये कहानी हो गई आपके पास एटॉमिक मास यूनिट और किस तरीके से हमने जो मास है वो निकालना शुरू किया। और पहली वीडियो में हमने आपको मास जो है वो लिखवा दिए थे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 to 20 तक। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इन्हीं को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए जो हमने आपको ये जो मास निकाल कर दिखाया है ना, ये तो पूरा मोल का दिखाया हुआ है, जो 16U आया, ऑक्सीजन का 16U आ जाता है, 16 टाइम्स आ जाता है 1 AMU के, उसी टाइप से उनको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी को किसी के साथ रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेट करके निकाला गया। कार्बन के एक एटम का जो 1/12 पार्ट था उससे रिलेट करके निकाला गया है। समझ में आई इतनी बात? इसीलिए इनको रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। और अब जो हम निकालने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। और एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे वो भी तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकलने वाला है। यस, जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं ना उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही कहेंगे, क्योंकि यही जो चीज़ है वो रिलेट होके आया है किसी से, और इसी का यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो वो भी क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होने वाला है। अब कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि H2O हमने वाटर बना दिया। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, मतलब एक मोल लिया आपने, तो फिर से वही बात होगी। अगर आप 1 मोल ऑफ H2O की बात करते हैं तो उसमें आपके पास 6.022 × 10³ इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भाई हमने हाइड्रोजन सिर्फ H2O लिया और इसका अभी मैं मास निकालूंगा। हाइड्रोजन का देखिए कितना होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है ना, पर मोल की बात करते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो एक होता है लेकिन है ये कितने, 2 है, तो 2 से इंटू कर लेंगे, बीच में आपको प्लस लगाना है, और यहाँ पे लिख देंगे हम ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1 × 2 और प्लस का 16 कितना हो गया, 18, ये 18 ग्राम आया। अब ये जो 18 ग्राम आया, अब आपको लगता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम को मिला देंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम को मिला देंगे तो मल्टीप्लाई करके पूरा करके और पूरा का पूरा कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 100% हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होते हैं, तो 2 होते हैं तो 2, और 16 का 16U होते हैं, तो इनको ऐड करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके 18U आएगा। तो 18U या फिर यहाँ पे 18 ग्राम बोले तो अब जो है वो हमारे पास दोनों का मतलब सेम निकल कर आ रहा है, यू के जगह क्या आ जाता है, ग्राम। लेकिन एक्चुअल में ये जो चीज़ है वो सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। 18U का मतलब है 18 × 1.66 × 10⁻²⁴। लेकिन अब मैं 18 ग्राम की जब बात करता हूँ तो 18 × 1.66 × 10⁻²⁴ और मल्टीप्लाई में 6.023 × 10³⁰ इतने की बात करते हैं। अब चीज़ों को समझना, दोनों में डिफरेंस है। यस, दोनों में ही डिफरेंस है आपके पास, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चीज़ों को समझना, ये बहुत ज़्यादा छोटे मास को इंडिकेट कर रहा है यूनिफाइड मास, बट ये जो चीज़ है वो बहुत बड़े मास को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जो बात करेंगे अब ग्राम में डील करेंगे, बड़े मास की बात करेंगे, ये डेसिमल वाले की हम बात नहीं करेंगे, मतलब डेसिमल बोले तो बहुत छोटी वैल्यू की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सिंपल, जो 1 to 20 तक हमने आपको मास नंबर याद करवाए हैं वहाँ से आपको देख लेना है। जैसे H2O का निकाला ना, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2 करना है, इनके बीच में कुछ नहीं होता तो प्लस लगाना है, और ऑक्सीजन का लगा देना है 16 होता है, इनको सॉल्व कर देना है तो 18, तो इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास। अब इसी तरह से आपको बाकी सब के, जैसे कि मैंने बोला कि सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है। तो सोडियम का होता है 23, नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, और प्लस में O3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक का मास जो होता है वो 16 होता है, और इंटू में कितने हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 23 प्लस में 14 प्लस में, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं ना, 16 तो 48 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 48 14 62 62 और 3 65 20 85 आ जाएगा, ठीक है, 85 ग्राम निकल कर आ गया। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आपके पास मॉलिकुलर मास जो है वो निकल कर आ जाते हैं। जैसे हमने बोला आपके पास सामने की H2SO4, तो H2SO4 का मतलब हाइड्रोजन का मास एक का एक होता है, और इसमें है कितने, तो 2 से इंटू करेंगे, बीच में लगाना है आपको प्लस, फिर सल्फर का 32 होता है, फिर बीच में लगाना है प्लस, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, लेकिन है हमारे पास कितने 4, तो 4 से हम उसको इंटू ज़रूर कर लेंगे। 1 2 2 प्लस में 32 प्लस में 16 4 64, इनको ऐड कर दीजिए, आपके पास मिल जाएगा 98 ग्राम। तो ये इनका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ गया। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी कंपाउंड दिए रहेंगे उसका आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। वन थिंग मोर, अगर अभी तक की चीज़ें कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है वो चीज़ आपको खास करके बता देता हूँ। 1 से लेकर 20 तक सबका मास याद कर लीजिए, उसके बाद ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। अगर इससे पहले की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, रहने दीजिए, दोबारा से हम आपको समझाएंगे, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप है ना, आपकी ना 9th क्लास है, और 9th क्लास में उसने तगड़े तरीके से आपको नहीं आएंगे समझ में। अभी आपको चीज़ें तो बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, अभी आप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद इसको आप एक बार करोगे तो यूँ हवा में समझ में आएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपका क्या कीजिए, 1 से लेकर 20 तक मास को याद कीजिए, उसके बाद फटाफट क्या कर दीजिए, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लीजिए। और अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए हैं तो आओ यार एक निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन कह लीजिए या फिर इसको मास परसेंट के नाम से जानिए, एक ही बात है। अब ये मास परसेंट निकालते कैसे हैं वो चीज़ बता देते हैं। मान लेते हैं कि H2O का ही लेते हैं, आपसे बोला जाएगा आप हमें मास परसेंट बताइए ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल्सो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये मास परसेंट का कहने का क्या मतलब होता है, मास परसेंट का कहने का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम में, सुनिएगा बहुत ही प्यार अच्छे तरीके से, 100 ग्राम में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 100 ग्राम में ही कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये बताओ यार कि हाइड्रोजन का H2O का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में से 2 ग्राम तो 100% क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, और बाकी 16 ग्राम क्या है आपके पास ऑक्सीजन है, नो डाउट, तभी तो ये 18 ग्राम मिलकर बनाया हुआ है ना। हाँ, तो आपको बस इतना बताना है कि कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है 18 ग्राम में से, इसी को बोलते हैं मास परसेंट। समझ में आ गई इतनी बात, तो चलो फटाफट निकाल देते हैं, बड़ा इजी सा काम है। मास आपने परसेंटेज निकालना सीखा होगा, जिसका परसेंट निकालना होता है उसके मास को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, हो गया हमारा काम। तो यहाँ से मास परसेंट ऐसे निकालूंगा मैं, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, तो ऊपर 2 ग्राम लिखेंगे, नीचे आता है टोटल, लिख लीजिएगा फॉर्मूला, नीचे आता है टोटल, टोटल कितना आएगा 18 ग्राम, और इंटू क्या करते हैं हम 100%, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इनको आप काटा पीटी कर दीजिए, ये काट दीजिए 9 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, है ना, और कितना बचाइए तो 11.99 समथिंग इतना कुछ परसेंट जो आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑक्सीजन, सेम काम करना आपके साथ, अब हम किसका निकाल रहे हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे बड़ी छोटी सी चीज़ें देखिएगा, ऑक्सीजन का जिसका निकालना है उसका मास मैं ऊपर रखूँगा, टोटल ग्राम का मैं नीचे रखूँगा, और इंटो में कर दूँगा मैं 100%, काटा पिटी कर दीजिए, ये 8 बार में, ये 9 बार में, ठीक है ना, और इससे इसको काट देंगे तो 11.1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.88 88.8% ऐसे कुछ निकल कर आ जाएगा, ये 1.1% आएगा, ये 8888 ऐसे करके चलता रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए ना, अगर तो 100% ही आना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के परसेंटेज को ऐड कीजिएगा तो 100% ही आना चाहिए, तभी तो, क्योंकि हम 100% में से बात कर रहे हैं कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट आपके पास क्या है ऑक्सीजन है। हाँ, मुझे पता है ये 99.99 आएगा, है ना, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर विदाउट डिवीजन, जैसे कि ये था 100/9% बचा था, ऐसे ही रखता, और प्लस में ये कितना बचा आपके पास 800/9 आया था, 800/9 आया था, अगर यहाँ से मैं जोड़ता तो आपको 100% ही मिलेगा, देख लीजिए
ऊपर आ जाएगा 900, नीचे आ जाएगा 9%, डिवाइड कीजिए 100% निकल कर आएगा। डिवाइड किया तो डेसिमल में वो रिपीटिंग वाले आ गए थे ना, इसीलिए उस तरह से आ रहा है, अदरवाइज आपको परफेक्ट 100% देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। वो हमारी गलती थी डेसिमल में लाने की, ठीक है ना। बाकी हम डेसिमल में जरूर लाकर इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, छोटी सी चीज़ होती है। अब मास परसेंट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास। अब मान लेते हैं कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट .10H2O है, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस सोडा के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब हमसे कहा जाता है कि इसमें ये जो वाटर है उसका मास परसेंट बताओ, तो बड़ी छोटी सी चीज़ है यार, मास परसेंट हमें किसका निकालना है, वाटर का। तो मास परसेंट ऑफ वाटर H2O है ना, H2O इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाए आपके पास, मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय में मास ऑफ कंपाउंड, जो टोटल कंपाउंड है उसकी, और मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको 100%। बड़ी छोटी सी चीज़ है, तो मास ऑफ H2O की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से देख लीजिए इसमें H2O कितना है। सबसे पहले तो टोटल मास निकालिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सोडियम का होता है 23, दो है तो 2 से इंटू कर लेंगे बीच में, प्लस कार्बन का होता है 12, एक है तो रहने देते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तीन है तो 3 कर लेंगे, प्लस H2O का अभी निकाला था 18 होते हैं और ये 10 हैं तो 10 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। अब टोटल ऐड करो, ये आ जाएगा 46 प्लस का 12 प्लस का 16 तो ये 48 और प्लस का 18 दें 180 इज इक्वल टू, इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना 180 फिर 48 फिर 12 और फिर आपके पास आ जाएगा 46, 8 2 10 6 16 6 बच गए 1, 8 4 12 1 13 4 17 1 18 बच गए 1 2, 286 आ गए, 286 ग्राम आया टोटल। तो नीचे तो 100% 286 ग्राम आने वाला है, नो डाउट। और ऊपर क्या, जिसका पूछा है भाई, पूछा किसका है, वाटर का। वाटर कितने है इसमें देख लीजिए, 10H2O है ना वाटर, तो ये 18 दें 180 ग्राम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आपके पास 100%। ग्राम से ग्राम काट दीजिए, इसको काटा पिटी कर लीजिए, आप ले जाइए इसका क्या कितना परसेंट प्रेजेंट है उसमें वाटर। तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मास परसेंटेज के बेस पे वो ऐसा होता है कि भाई ऐसा करो यार, हमने बोल दिया कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये तो और भी ज़्यादा आसान होता है। कंपाउंड है वो 0.56 ग्राम का है, पूरा का पूरा कंपाउंड 0.56 ग्राम का है, और इस कंपाउंड में कोई एक कंपोनेंट है जिसका मास जो है वो 0.24 ग्राम है, तो आप मुझे बता दो फटाफट कि इसकी परसेंटेज क्या है, उसमें मास परसेंट क्या है। तो जिसका पूछा है उसको ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बोलो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ग्राम से ग्राम को उड़ा दो, ऊपर से पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, नीचे से पॉइंट हटाया ऊपर 100 आ गया, यहाँ पे लगा लेता हूँ 100 से 100 कट गया, है ना। इसको काटा पिटी कर दिए, 4 से 6 बार में, 4 से 1 बार में, 4 चौके 16 बार में, 2 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से काट दीजिए 7 बार में, ऊपर बच गया 300 नीचे बच गया 7, ऊपर बच गया 300 नीचे बच गया 7, डिवाइड कर दीजिए और परसेंट में आप आंसर ले जाइए, खत्म बात। बड़ी छोटी सी चीज़ है मास परसेंट, तो है ना। फिर से बता देता हूँ, मास परसेंट जिसका भी पूछा जाए उसका मास ऊपर रखिए, नीचे में आप टोटल मास रखेंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आपका काम जो है बनकर तैयार हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।